बार मिल चुके हैं। मेरा नाम मोहिनी शर्मा है, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिसेज इंडिया आईएनसी, और मैं पूरे फख्र के साथ आज मिसेस जूही व्यास, मिसेस ग्लोब, पीपल्स चॉइस 2023 के विनर को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये हमारी मिसेज इंडिया आईएनसी की फर्स्ट रनर अप रही है और आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट यूएस से करके आई है। मिसेज ग्लोब का जो कॉम्पिटिशन था वो 80 कंटेस्टेंट्स का था जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे, और उसमें जूही ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एज अ डायरेक्टर। ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फख्र की बात है, तो मैं खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ। बाकी तो हाँ, फाइनली जूही इंडिया में है और अब जूही आगे बहुत सारे काम करने वाली है। जूही जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना बड़ा जो है अचीवमेंट आपको मिला है। 21 साल में किसी भी महिला को इंडिया से मिला नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उस मूवमेंट के बारे में बताइए, और जब आपको ये फेलिसिटेट किया गया थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं, और उस मूवमेंट के बारे में बताएं, क्या सोच रही थी, क्या फीलिंग थी उस समय? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि अपने देश का तिरंगा अपने हाथ में लेना। तो मैं वो पल शायद अपने ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी पेट्रियाटिक हूँ, इतनी देशभक्ति की भावनाएं मुझ में होंगी, लेकिन जब मैंने पहली बार वो तिरंगा अपने हाथ में लिया, मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने देश का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने कंधों पर लेके चल रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जीतना नहीं जीतना, टाइटल लेके आना नहीं लेके आना, ये सब साइड की चीज़ें हैं मुझे लगता है, और शायद कुछ समय बाद ये मायने नहीं रखेंगी, पर अपने देश के लिए मैंने प्रतिनिधित्व किया और 80 देशों के साथ मैंने मुकाबला किया। मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मोहिनी जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से आपने एक दो साल देखे हैं, सरगम की बात करें या फिर जूही की बात करें, प्रिया जो कि आपके, तो क्या कहना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर, आप कितना प्राउड फील करती है कि एक के बाद एक जो अचीवमेंट्स लेके आ रही है? मैं तो मानती हूँ कि हम जरिया होते हैं, शायद भारत के नसीब में ये उपलब्धियाँ लिखी थी 2023 में, और सारी उपलब्धियाँ हमें 21 साल बाद मिली हैं, तो ये 21 का जो नंबर है वो शायद भारत के लिए बहुत ज़्यादा लकी है। शुरुआत हुई थी हरनाज संधु से, उसके बाद चाहत दलाल, सरगम कौशल और फिर जूही व्यास, तो एक के बाद एक हम सिर्फ हासिल कर रहे हैं। और मैं तो बोलूँगी कि मैं जरिया थी, बाकी मेहनत पूरा इन लड़कियों ने लगाया है, पूरी हिम्मत से काम किया है। वो स्टेज पर मुझे नहीं खड़ा होना पड़ता है, वो 80 कंटेस्टेंट्स के साथ मुझे नहीं खड़ा होना पड़ता, मेरा बैक स्टेज की मेहनत होती है, बैक स्टेज तक मैं खड़ी रहती हूँ और फिर उसके बाद जो कमाल होता है वो इनका होता है। जूही जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये तो सबने देखा कि आप टाइटल जीती, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या तैयारियाँ की थी और तो प्रिपरेशन के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताया। ये मेरा तीसरा साल था तैयारी करते हुए, क्योंकि 2 साल मुझे लगे थे नेशनल कॉम्पिटिशन मिसेज इंडिया INC में पार्टिसिपेट करने के पहले, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, तो आप ये भली भांति जानते हैं कि एक माँ और एक इंडियन माँ होना कितना डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि आपको घर भी देखना है। मेरा बिजनेस है, मैं एक सैलून एंड स्पा चलाती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मेरे कंधे पे ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उनके साथ में मिसेज इंडिया की तैयारी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। 2 साल लगे, उसके बाद जीतने के बाद मुझे 1 साल का समय मिला कि मैं इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में प्रिपेयर किया मैंने उसमें जाने के लिए। जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लीडर बहुत स्ट्रांग होता है, लीडर ऐसा होता है जो आपको हाथ में हाथ पकड़ के चले, तो उससे आपको ताकत मिलती है। तो मुझे एक पल के लिए भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये आयरन लेडी थी, जैसे मैं आयरन लेडी बोलती हूँ, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना मैं शायद थोड़ा भी नहीं चल पाती। जर्नी बहुत इंटिमिडेटिंग होती है जब इतने देश होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो ये मेरे लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी। और आज जो भी मैंने किया है इनकी बदौलत, और हमारी जो एक टीम थी मिसेज इंडिया INC की जो टीम थी, अगर आप वीडियोस देखेंगे जो हमने पोस्ट किए तो आपको दिखेगा कि हर एक बच्चा, ये जितने बच्चे यहाँ पे हैं, छोटे बच्चे हो गए, लखवीर कौर मैम हो गई, इन सब के सपोर्ट से हमने आज ये हासिल किया। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, ये पूरे मिसेज इंडिया टीम की जीत है। राइट, ऑल्सो अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि 21 साल में कोई भी महिला लेके नहीं आई थी मिसेज इंडिया ग्लोब पीपल चॉइस, क्या कहना चाहेंगे उस बात को सुन के, कितना प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि जिस दिन मैं जीती उसके अगले दिन हमारा एक क्वींस लंच था, जिसमें जो क्वींस थी जो जीती थी वो आई थी, और हमारी डायरेक्टर थी वहाँ पे, और पुरानी क्वींस थी जिन्होंने पिछले 20 साल पहले वगैरह भी ये खिताब जीता है। उनके मुँह से एक बात निकली थी कि इंडिया हमेशा कोशिश करती थी आने की,
पर वो आ नहीं पाती थी क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे और वो उनको सिलेक्ट नहीं करते थे। तो ये पहली बार ऐसी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया और पहली बार पार्टिसिपेट करके हम पहली बार में ही क्राउन लेके आए हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसे आई थिंक मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई उससे आप समझ पा रहे होंगे कि हम स्पीचलेस हैं इस अवार्ड को जीतने के बाद में। मोहिनी जी, जैसे मैंने पूछा जूही से कि आपकी प्रिपरेशन क्या थी, एज ए डायरेक्टर आपकी क्या तैयारियां होती है? जैसे मैंने कहा कि 2021-22 अब 23 में भी जो है लगातार आप लोग झंडे गाड़ रहे, तो एज ए डायरेक्टर आपकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। तो हमारे लिए एज ए डायरेक्टर खिलाड़ी जितना उमदा रहता है मेहनत उतनी बढ़ जाती है, और मेरे जितने भी खिलाड़ी अब तक मैदान में उतरे हैं उन सभी में मैं कहूँगी कि जूही सबसे ज़्यादा मंची हुई खिलाड़ी थी, क्योंकि हमें पूरी मेहनत करनी रहती है। जब आपके हाथ में जब बहुत ही बहुमूल्य पत्थर आ जाता है तो उसकी घिसाई में आपको ज़्यादा बड़ा एक्सपर्ट लगता है, आप किसी भी जौहरी को घिसाई नहीं दे सकते हो। तो मैं मेरी मेहनत तो बढ़ गई थी, मेरी मेहनत 3-4 गुना बढ़ गई थी, बट हाँ मैं तो बोलूँगी कि मेरी खुशकिस्मती थी जो मुझे ये काम करने का मौका मिला, जो मुझे जूही के साथ काम करने का मौका मिला। क्योंकि जिस भी एरिया की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पैजेंट्री में आपके कम्युनिकेशंस, आपका रैंप वॉक, आपका बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, आपका वार्डरोब बोलो, आपका स्किन बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हर चीज़ में हमें 3-4 गुना एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था। नहीं क्योंकि कमी नहीं थी, इसलिए नहीं, क्योंकि हमें पता था कि जितना हम काम करेंगे उतनी निखरेगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैं तो यही आशा करूँगी कि जूही जैसी कंटेस्टेंट, जूही जैसी मेडल मुझे हर साल मिले, इतनी ही मेहनत मैं करूँ और ऐसी ही मैं अचीवमेंट्स इंडिया के लिए लाऊँ। जूही जी, आपसे कहना चाहूँगी एक बिग कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट, फील्स रियली प्राउड। एंड ये पूछना चाहूँगी मैं कि किस तरह से आपका वेलकम हो रहा है इंडिया में और क्या कुछ चेंजेस हुए? मुझे बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, क्योंकि सब लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, मिसेस इंडिया INC से लेके इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक, तो उन्हें पता है कि मैंने कैसे दिन रात एक करके ये चीज़ हासिल करी है। तो बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है। मैं लीला में आई, मैं जिस होटल में स्टे कर रही थी तो मेरी ट्रेनिंग के दौरान मैं वहीं रुका करती थी, तो वो इतनी स्वीट छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ जानते थे कि मैं जीत के आई हूँ क्योंकि वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, तो उनके थ्रू मुझे फ्लावर्स मिलना, वो जेस्चर जो उन्होंने मुझसे केक कटिंग कराई, मैं रूम में गई तो मुझे केक मिल रहा है। ये छोटे छोटे सिंपल जेस्चर्स हैं जो आई थिंक आपका दिन बना देते हैं। और लंबा सफ़र था अमेरिका से यहाँ आने की जर्नी, 24 घंटे तो हमें लग ही जाते हैं, उसके बाद ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको जब मिलती हैं तो आप और आपका उत्साह और बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है ये तो बस शुरुआत है। और मोहिनी मैम ने जो ढोल के साथ में यहाँ मेरा स्वागत किया, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी, तो डे वन से जूही बस एक ही बात कर रही थी कि मैं आऊँगी तो ढोल चाहिए। मैंने सोचा कोई हो ना हो, ढोल वाला होना चाहिए, मुझे मैं नहीं रहूँ चलेगा, ढोल वाला होना चाहिए, नहीं आप ही के साथ नाचना था मुझे। जूही जी, इसके अलावा लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, फैमिली का सपोर्ट कितना था? जैसे आपने कहा कि आपके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे को संभालना, साथ ही पेजेंट में हिस्सा लेना, इसके बारे में बताइए, और फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट था इस जर्नी में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ मेरी सास, मेरी जेठानी जेठ और उनके दो बच्चे साथ में रहते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि मुझे जाना है, तो उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली थी कि तू काम कर, हम सब संभाल लेंगे। तो आज मेरी मम्मी और मेरी जो सास है, सासू माँ है, वो दोनों मिलकर उन्होंने हमारे बच्चों को संभाला, एंड पूरा फैमिली का फुल सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे, एंड मुझे लगता है बिना फैमिली के सपोर्ट के ये सब चीज़ें अचीव करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप अचीव कर भी लो तो कहीं एक अधूरापन रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जो हर कदम पर मेरा साथ निभाती चली गई है, एंड मेरी पूरी जर्नी को इतना अच्छा बनाने के लिए मेरी फैमिली और मेरे डायरेक्टर का पूरा मान है। लास्टली मोहिनी जी, क्या मैसेज होगा जो वुमेंस आपको देख रही है इस समय और जो कुछ अचीव करना चाहती है? लास्ट सवाल पूछा, मैं उसी पर थोड़ा एम्फसाइज करूँगी कि काफ़ी क्रेडिट फैमिली को डेफिनेटली जाता है, और शायद ये मैंने अब तक कभी बात नहीं बोली थी। जब भी मुझे पूछते थे कि भारत की महिलाओं के लिए क्या मैसेज है, तो मैं यहाँ वहाँ की बातें करती थी, पर इस बार मैं ये बोलूँगी कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप परिवार के साथ रहते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो जूही के पास वो अपॉर्चुनिटी थी, जूही के पास एक बहुत ही सुंदर परिवार था, मैंने परिवार का सपोर्ट देखा है, मैंने देखा है कि जूही कितनी खुश रहती थी,
और बस मैं वैसे ही चाहूँगी कि सारी भारतीय महिलाएं अपने परिवार को लेकर चलें, अपने हस्बैंड को लेकर चलें और उनका सफर उतना ही सुंदर हो जाएगा। जूही जी, वन लास्ट क्वेश्चन, जब जूही जी ऑफकोर्स जब उनको क्राउन पहनाया गया, वो इंस्टेंट रिएक्शन क्या था? बिकॉज दो लोगों की मेहनत सफल रही, तो क्या रिएक्शन? मेरा हम थोड़े शॉक थे और ऑब्वियसली हम आगे के